गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने सिलेबस की बात कर ली थी, उससे पहले हम 12.1 के क्वेश्चन कर लिए थे, 3 क्वेश्चन किए थे हमने। आज हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं और 12.2 चतुर्भुज है वो हमारे सिलेबस से हट चुकी है, वो आपको मैंने बता ही दिया था। अब देखते हैं 12.1 का फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी, दो भुजाएं कितने सेमी है 18 सेमी, जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी है, ये बोल दिया उसने, जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी, उसका परिमाप 42 सेमी है। परिमाप कितना है 42 सेमी। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। माना तीसरी भुजा एक्स है, क्या मान ली भी? तीसरी भुजा हमने एक्स मान ली। अब देखो परिमाप क्या होता है त्रिभुज का, त्रिभुज का परिमाप चारों ओर एक चक्कर में त्यागी की दूरी यानी तीनों भुजाओं का योग ही होता है। तो क्या लिख सकते हैं यहां, 18 + 10 + x इक्वल में 42। परिमाप इक्वल, परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग। तो 18 + 10 = 28 + x इक्वल में 42। तो यहां से प्लस के 28 है उस साइड, या किसके हो जाएंगे माइनस के, तो x इक्वल 42 - 28। तो x इक्वल कितना आ गया, 12 में से 8 घटाएंगे 4 और 3 में से 2 घटाएंगे, तो x इक्वल हमारा कितना आ गया 14 सेमी। ये हमारी क्या आ गई, तीसरी भुजा आ गई। ये कौन सी भुजा आ गई, तीसरी भुजा। एक भुजा ए इक्वल मान लेते हैं ये 18 है, बी इक्वल मान लिए ये 10 सेमी है, सी इक्वल आ गई 14 सेमी। परिमाप 42 है तो अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा, अर्ध परिमाप, परिमाप में 2 का भाग देते हैं 42/2 कितना आ गया 21 सेमी। अर्ध परिमाप हमारा कितना आ गया 21 सेमी। अर्ध परिमाप को किससे डिनोट करते हैं एस से, अर्ध परिमाप को किससे डिनोट करते हैं एस से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन का सूत्र से ही करने हैं, हिरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो रूट 21 - 10 और 21 - 14 सॉल्व करेंगे तो 21 × 3 × 11 × 7। तो यहां से इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 21 के 3 इंटू 7 इंटू 3 ये 18 सेमी और 10 सेमी है, ठीक है जी, इंटू 11 इंटू 7, दो बार 3 है, एक बार 12 आ जाएगा, ये 2 बार 7 है और ये रूट में 11, तो 21√11 सेमी की स्केयर, तो 21√11 वर्ग सेमी। तो हमारा आंसर कितना आ गया 21√11 वर्ग सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है ये, और जो है हमारी 12.2 उसमें चतुर्भुज के दिए हैं और वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है इसमें। तो देखो स्टूडेंट्स, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या दिया है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, और दिया कितना है वो भी देख लेते हैं, 12:17:25 12:17:25 ये दिया है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, और उसका परिमाप उसने बोल रखा है 540 सेमी है। परिमाप 540 सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, इस त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो
मान लेते हैं, माना त्रिभुज की भुजाएं 12x, 17x और 25x, ये हम मान लेते हैं, क्योंकि इनका रेशियो निकालें तो यही आएगा, रेशियो निकालें तो x से ये कैंसिल हो जाएगा सभी में, तो 12x, 17x और 25। परिमाप इक्वल में दिया है 540 सेमी, तो तीनों का योग 540 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि तीनों भुजाएं ही है ये हमारी 540। 12 और 17 कितने हो गए, 29, 29 और 25 तो ये कितने हो गए 54x इक्वल में 540। 54 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, 540 बटा में 54, यहां तक कोई दिक्कत? तो x इक्वल कितना आ गया हमारे पास 10 सेमी, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेमी। तो पहली भुजा 12x यानी स्मॉल a इक्वल कितना आ जाएगा 12 × 10 120 सेमी, यहां पर x की वैल्यू रखते जाएंगे। दूसरी भुजा स्मॉल b मान लेते हैं तो 17 × 10 170 सेमी। तीसरी भुजा 25 × 10 250 सेमी, इन तीनों का योग कितना होना चाहिए 540, तो ही आपका ये क्वेश्चन सही। अब परिमाप है तो अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप s इक्वल 540 बटे 2, तो 2 यहां से ये कितना आ गया 270 सेमी, अर्ध परिमाप कितना आ गया 270 सेमी। तो हिरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी, तो देखो रूट एस की वैल्यू कितनी है 270, 270 माइनस 120। ए बी सी क्या मानते हैं, ये भुजा मान लेते हैं, ये प्रथम भुजा, ये दूसरी और ये तीसरी, ठीक है, और 270 माइनस 170, 270 माइनस 250, सोल्व करेंगे 270 इंटू यहां से ये माइनस किया 0, 5, 150, यहां से माइनस करेंगे 100, यहां से 20, 270 के कर लो अभाज्य गुणनखंड, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, फिर 15 × 3 = 45, फिर 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, इस प्रकार से अभाज्य, तो कितना आ गया ये 2 × 3 × 3 × 3 × 5, 150 के करेंगे 2 का भाग जाएगा 75 आ गया, 75 में फिर 3 का भाग देंगे 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 25 आ गया, फिर 25 में 5 का देंगे फिर 5 आ गया, तो 5 × 5, 100 का करें 2 का भाग देंगे 50, फिर 2 का भाग देंगे 25, फिर 5 × 5, 20 के करेंगे 2 × 10 आ गए, फिर 2, फिर उसके बाद 5, ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड, आप इस प्रकार से कर लो। 2 कितनी बार आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार रूट में है तो 3 बार रूट से बाहर निकाल लें, 3 यहां पर 1, 2, 3, 4, 4 बार है तो 2 बार बाहर निकाल लेंगे, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार है तो 3 बार बाहर, देखो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 2 = 10, ये भी 5 × 2 = 10 और ये भी 10, तो 10 × 10 × 10 ये तो हो गई 1000, और 3 × 3 = 9, तो कितने आ गए 9000 वर्ग सेमी, मल्टीप्लाई 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन इस तरीके से ये सिंपल हो, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया हमारे पास 9000 वर्ग सेमी। फिर भी इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मैसेज करके अपने डाउट क्लियर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं हिंट दे देता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, इसी प्रकार से ही करना है।
फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 12.2 हमारे सिलेबस में नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन में समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दीर्घ है। समद्विबाहु, समद्विबाहु, सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, समान दो भुजा होती है जिसकी, वो तय समद्विबाहु त्रिभुज। इसका परिमाप बोल रहा है 30 सेमी है। परिमाप कितना बोल रहा है? 30 सेमी है। हिंट दूंगा इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। बराबर भुजाएं 12 सेमी है इसकी, बराबर भुजाएं कितनी सेमी है? 12 सेमी, ठीक है जी। फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो समान दो भुजाएं, यानी पहली भुजा ए भी 12 है, दूसरी भुजा बी भी 12 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी भुजा क्या मान लेंगे? x। तीसरी भुजा क्या मान लेंगे? x। तीनों भुजाओं का योग यानी 12 + 12 + x परिमाप के इक्वल रख लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये हमारी आ गई तीसरी भुजा c आ गई। अर्ध परिमाप, इसमें दो का भाग दोगे अर्ध परिमाप आ जाएगा। फिर हिरोन के सूत्र ही लगाना है आपके पास, ए बी सी की वैल्यू होगी। क्षेत्रफल आए उसमें सेमी है तो क्या होता है? वर्ग सेमी, या इसमें क्या लगा सकते हैं? सेमी की स्केयर। मीटर आए तो वर्ग मीटर या मीटर की स्केयर। बाकी नेक्स्ट चैप्टर इसका नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।